हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज बच्चों देखो हम क्या करने वाले हैं। आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। देखो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि पिक्चर देख के कि ये है क्या, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है। चित्र देखकर लिखो। ठीक है, हमें चित्र देखकर क्या करना है, लिखना है कि ये क्या है। अब फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, घर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, घर की स्पेलिंग लिखेंगे। दूसरे में क्या दिख रहा है आपको, बरगद का पेड़। ये क्या है, बरगद का पेड़, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बरगद का पेड़, तो हम इसमें बरगद लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, अब ये तो बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे। देखो, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वन, तो हम इसे वन लिखेंगे। अब ये क्या दिख रहा है आपको, कमल का फूल है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमल। ये क्या दिख रहा है आपको, माला, तो माला। ये क्या है, छाता, ये ताला, और ये गमला। तो इन सब की हम स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली में इसका पहले तो हम एक एक करके लिखते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे। देखो ये क्या है, घर, तो घर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, घ र, घर है ना। घर कैसे लिखते हैं, घ प्लस र, तो ये क्या बनता है, घर, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो ये क्या है, बरगद, तो बरगद कैसे लिखेंगे, ब प्लस र प्लस ग प्लस द, इसे कैसे लिखेंगे, बर ग द, बरगद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुत सारे पेड़ों से मिलकर क्या बनता है, वन, है ना। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, वन कैसे लिखते हैं, व प्लस न, वन। ठीक है, देखो बहुत बच्चे व और ब में कंफ्यूज होते हैं, व ऐसे बनता है और ब में क्या आता है, एक अंदर डंडी आ जाती है। ठीक है, ये होता है व और ब में डिफरेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम व की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या था, व न वन। ठीक है, ये क्या है, कमल, कमल कैसे लिखेंगे, क प्लस म प्लस ल, कमल। ठीक है, कमल क्या है, एक फूल है ना। देखो बरगद के पेड़ में क्या होता है, चलो बाद में बताऊंगी। ये क्या है, माला, तो माला कैसे लिखेंगे, मा, मतलब इसमें क्या हुआ है, मा में ज्यादा मुंह खुला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, आ की मात्रा है ना। तो मा प्लस आ की मात्रा प्लस ला, इसमें भी आ की मात्रा है ना, ज्यादा मुंह खुला है, तो इसे क्या लिखेंगे, माला। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, छाता, तो छाता कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही है, छाता, दोनों में मुंह खुल रहा है, इसका मतलब दोनों में आ की मात्रा आएगी। तो पहले लिखेंगे हम छ प्लस आ की मात्रा प्लस ता प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या हुआ, छाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ड्राइंग तो अजीब सी है ही, लेकिन ये मैंने क्या बनाया है, ताला। ठीक है, ताला कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही है, ता प्लस आ की मात्रा प्लस ला प्लस आ की मात्रा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ताला। ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट क्या है हमारा, ये गमला। ठीक है, तो गमला कैसे लिखेंगे, ग म ला, मतलब ग में आ की मात्रा नहीं है क्योंकि इसमें कम मुंह खुला है, तो ग प्लस म में भी मात्रा नहीं है, ला, ला में मुंह खुला है, इसका मतलब ला के साथ आ की मात्रा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ग मा ला, गमला। ठीक
है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है घर, है ना, घर वही होता है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बरगद। बरगद का पेड़ कैसा होता है, देखो बरगद के पेड़ में बहुत सारी ऐसे ऐसे करके तनी गिरी रहती हैं, जैसे ये गिरा है ना, ऐसे बहुत सारी होती हैं। तो बरगद का पेड़ क्या है, अलग से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या है, वन, ठीक। तो वन कैसे बनता है, बहुत सारे पेड़ों से मिलकर वन बनता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, कमल का फूल, ये फूल होता है। ये माला, छाता जो हम बारिश में यूज करते हैं छाता, वो है। ताला जो हम घरों में लगाते हैं ताला, वो ये ताला है ना, जब कहीं घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी ताला लगा के जाती है ना, तो ये वही ताला है, ठीक है। गमला, जो हमने गमला का फूल लगाया होता है, वो है ये गमला। चलो एक तो रह गया, देखो ये क्या है, ये क्या है, कुछ दिख रहा है। वैसे दिख तो ये ढोला करा है, लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे बाजा। तो बाजा कैसे लिखेंगे, बा और जा, मतलब दोनों में मुंह खुल रहा है तो आ की मात्रा आएगी, है ना। बा प्लस आ की मात्रा और जा प्लस आ की मात्रा, तो ये क्या बना, बाजा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, बाजा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, लिखना आ गया होगा, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।